हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो है व्हीलिंग मशीन पे। तो भाई, मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया, पर किसी का भी ऐसा वीडियो नहीं था कि आपको प्रॉपर व्हीलिंग मशीन बनाना सिखा पाए। सभी लोग के वीडियो बस उन्होंने खुद बना डाला, कोई नाप नहीं, बस ऐसा ही था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ट्राई करता हूँ कि आज मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप ये वीडियो देख के भी आप व्हीलिंग मशीन बना सकते हो। और सबसे पहली बात, व्हीलिंग मशीन अपना है नहीं, तो व्हीलिंग मशीन है प्रथम भाई का। ये देखिए, प्रथम भाई मुंह छुपाते हुए अपनी ड्यूक 390 लेके आ चुके हैं। तो भाई, एक्साइटेड हो आप? बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है। तो सबसे पहले अपने को करना है ये, यहाँ का थोड़ा डिज़ाइन रेडी करना है कि कैसा व्हीलिंग मशीन बनाया है। तो उसके लिए थोड़े हम ड्राइंग्स रेडी करेंगे और उसके हिसाब से सब पाइप्स कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने डायग्राम रेडी कर दिया है, तो आपको शायद हो सके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF डाउनलोड करने के लिए, और हो सके तो स्क्रीन में दिखा दूंगा। और पाइप अपने पास आ चुका है, अपने पास है 1.5 इंच का GI का पाइप है। तो क्योंकि हमें रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं चाहिए बाद में, तो ये हमने किया है। और हमारे पास है मशीन, तो हम शुरू करने वाले हैं कटिंग। हम इस वक्त पहुंचे थे खोड़ा रेलवे स्टेशन पे, और सबसे पहले अपना काम शुरू होने वाला है बेस स्ट्रक्चर का। तो बेस स्ट्रक्चर की पाइप कटिंग हो चुकी है, उसके 45 डिग्री कट भी लग चुके हैं, और एक प्लाई पे रख के इसका भी सबसे पहले थोड़ा सा वेल्डिंग उठा सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, बाद में उसका पूरा वेल्डिंग भरा जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने बेस वर्क पूरा कर दिया था और बेस स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। अब बारी है साइड पार्टी और उसका जो स्टैंड बनने वाला है मेन, उसकी बारी है। तो उसी के टाइम है अभी। और ये देखिए, बेस प्योर वेल्डिंग बाकी है, अभी जॉइंट किया हुआ है, अभी साइड के सपोर्ट बनाने वाले है। उसके लिए हमने ये दो खड़े किए हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट लगा के। तो बाद में ये बनने के बाद आपको फिर से दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। इस वक्त काम चल रहा है अपना बाइक पे जो फिटिंग होगा वो वाला पार्ट। तो यहाँ से सपोर्ट लेके जो अपने बाइक में एक्सल पे फिट होगा वो वाला हो रहा है, और जो 9 इंच का जो पार्ट है जिसमें होल्ड करके हम एक स्क्रू लगाएंगे, सॉरी नट बोल्ट, और इसमें हम एक्सल में फिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपना व्हीलिंग मशीन रेडी है, ओनली फाइनल टचअप बाकी, इसका थोड़ा बहुत वेल्डिंग और गैप्स सब फिलअप करना है वही। तो ये कंप्लीट होने के बाद इसका हम थोड़ा बहुत टेस्टिंग करने वाले हैं, कलर वगैरह सब काम बाद में करेंगे, पर पहले इसका थोड़ा बहुत टेस्टिंग करना है। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत एक दो ही पाइप बाकी है, तो जल्द से इसका शुरू करते हैं टेस्टिंग। फाइनली फ्रेंड्स, 2 दिन से वेल्डिंग का काम चल रहा था और हमारे पास आ चुका है अपना व्हीलिंग मशीन। तो भाई, पूरी तरह से कंप्लीट है, इसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ बाकी है। यहाँ पे लोहे की प्लेट आएगी और यहाँ भी एक प्लेट आएगी, टेम्पररी मैंने यहाँ प्लाईवुड लगा लिया है, तो वो ठीक है। अब इस पर शुरू होगी प्रैक्टिस, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है, और इसके बाद उसका कॉस्टिंग बनाऊँगा, और लास्ट में हम इस पर थोड़ी प्रैक्टिस के थोड़े शॉट्स ले लेंगे। अगर आपको ये व्हीलिंग मशीन बनाना है तो इसके लिए आपका काम थोड़ा मैंने इजी कर दिया है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक PDF में डिज़ाइन रेडी कर दिया है, जो इस तरह का दिखता है थोड़ा बहुत, और PDF देख के आप कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो PDF में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे आप, तो एक तरफ मैंने डिज़ाइन बनाया है और पाइप नंबर दे दिया है, और कौन सी पाइप का कौन सा कटिंग है वो मैंने साइड में उसका सारा नाप लिख दिया है। तो अब बारी है मशीन पे बता देने की कि कौन सा नंबर का पाइप कौन सा है, तो आपको पूरा कन्फ्यूजन ही सॉल्व हो। टैप कौन आता है अपना मिडिल बेस स्ट्रक्चर। तो मिडिल बेस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ये वाला जो पूरा बेस स्ट्रक्चर है टिका हुआ, उसको मिडिल बेस स्ट्रक्चर बताया है। तो ये है पाइप नंबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ से मैंने 5, 6, 7, 8 और 9 वाली पाइप। तो देखो, एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि जितने भी पाइप्स में होल्स आते हैं ना, तो वो पहले ही आपको लेथ पे कटिंग करवा देना है, या फिर वेल्डिंग वाले को समझ आ जाए कि वो चीज़ पहले ही करनी है, क्योंकि लग जाने के बाद होल नहीं होगी, क्योंकि आपने 17 mm के होल लगते हैं। तो 17 mm का कोई ड्रिलिंग मशीन में पढ़ा नहीं आता, वो पिले होल से ही करना पड़ता है। तो वो चीज़ हो गई।
अब बारी आती है अपने स्टेप टू रियर सपोर्ट। तो ये रियर सपोर्ट मैंने इसको बोला है, ये देखो ये 10 और 11 नंबर का है, ये 10 नंबर ये 11 नंबर। तो ये पाइप है जो अपर स्ट्रक्चर का सपोर्ट है। फिर मैंने स्टेप थ्री में बताया है साइड बेस स्ट्रक्चर। तो साइड बेस स्ट्रक्चर मैंने शुरू किया यहाँ से, तो ये देख सकते हो आप इतना सा ये वी शेप स्ट्रक्चर है थोड़ा, और इसमें यहाँ पे आपको चार इंच की पाइप काटनी है। तो थोड़ा करीब से एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने डिज़ाइन में ये नहीं बताया कि इसमें कौन सा एंगल में कट करना है, क्योंकि ये ना आपको यहीं से पाइप का रेफरेंस लेकर कट करना है, तो ये आप पहले से नहीं कट कर पाओगे। तो उसको रेफरेंस लेकर कट करो और परफेक्ट फिनिशिंग हो जाएगा, और उसके बाद वेल्डिंग हो जाएगा और यहाँ आराम से अपना टायर लग जाएगा। तो टायर के लिए हमने नट बोल्ट रखे वो तो ईजी है सब। यहाँ आपको एक बीच में पाइप लगाना है, जो कि आप पाइप पहले लगा देना या फिर लास्ट में भी लगा सकते हो, ये इसका नाप लेके कि कहाँ तक पाइप आएगा, तो वो थोड़ा रेफरेंस से काम करोगे तो ईजी रहेगा अपने लिए। तो बाद में एक आपको लास्ट में पाइप लगा देना। फिर जैसा राइट किया वैसा सेम टू सेम लेफ्ट में है। मैंने ये पाइप है ना 18 इंच का काटा था, इसलिए मेरे को बाइक में यहाँ फिटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये पाइप मेरे को बाहर लेना पड़ा। पर डिज़ाइन में मैंने ये वाला पाइप 21 इंच का लगाया है, तो आप ये वाला पाइप पूरा यहीं स्ट्रक्चर बैठ जाएगा जो मैंने बताया है 24, 25 और 26 नंबर का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप 45 डिग्री यहाँ से कट करके आराम से बिठा सकते हो, और 9 इंच का पाइप आपको ध्यान रखना है इस पर परफेक्ट फेस टू फेस बैठ जाएगा, और इससे यहाँ से एक ही अंदर होल कर देना है, तो जैसे यहाँ का ये सब जो है बैठ जाएगा अपना। फिर आता है अपना बैग का स्ट्रक्चर। तो ये 30 और 31 नंबर का बैग है, ये आप प्रॉपर देख लीजिए, ये यहाँ पे सपोर्ट पे टिका हुआ है, और यहाँ पे जो साइड का पाइप आएगा ना उधर कोने में टिका हुआ है, तो पूरा क्रॉस जाएगा और ऐसे भी क्रॉस जाएगा। तो ये वाली चीज़ इसी है, और लास्ट में इसका कुछ करना ही नहीं है, दो पाइप काट के लगा दो, बीच का मनाप लेंगे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा, ये चल जाएगा, क्योंकि ये अपने बेसिक अपने सपोर्ट के लिए है। और लास्ट में करना क्या है अपने को, इधर आपको एक प्लाई अच्छी सी और मैं हो सके तो लोहे की प्लेट लगा दो, जिससे कभी भी अपनी बाइक पलट जाए पूरी तो इस पर टिक जाए, और आप गिरो तो इस पर टिक गिरो तो आपको कोई चोट ना आए। तो बेसिक अपना यही था पूरा, अपना व्हील मशीन देख सकते हो एकदम फ्रीली मूव कर रहा है और सही से काम भी कर रहा है। यहाँ पे आपको होल पीस लगा के इसके एडजस्टेबल बना देना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपको मैं लूज़ करूँगा तो व्हील मशीन नीचे जाएगा, टाइट करूँगा तो व्हील मशीन ऊपर जाएगा, तो काफ़ी आप इसे एडजस्ट कर पाओ जिससे अपनी बाइक प्रॉपर फिटिंग में रहे। तो ये थी मेन व्हीली मशीन बनाने की बात। अब बारी आती है अपने कॉस्टिंग की। तो भाई सभी को इंटरेस्ट रहता है कि भाई अपने को व्हीली मशीन पड़ा कितने में, तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आती है पाइप, तो अपना पाइप यूज हुआ है 40 फुट पाइप यूज हुआ है मेरे व्हीली मशीन में, और 40 का 40 पूरा ख़त्म ही हो गया। तो पाइप पड़ा है अपने को 2300 रुपये का पाइप आया, और प्लस 200 रुपये उसका शिपिंग चार्ज लगा अपने को, तो पाइप अपने को पड़ा है 2500 का। सेकेंड चीज़ आती है अपने टायर्स। तो ये टायर्स हमने मंगवाए थे, तो अपने को टायर्स पड़े हैं, ये 6 इंच के टायर है 1500 में पड़े 3 टायर अपने को। फिर आता है थोड़ा बहुत छुटक मुटक सामान, जैसे कि हो गया अपना ये नट बोल्ट हो गया, ये एडजस्टेबल वाला हो गया, ये सॉकेट हो गया, ये सब मिला के अपने को वो भी 1400-1500 का पड़ा है, तो एक्जैक्टली सर 1400 का सामान है ये सब मिला के। और फिर आता है अपना वेल्डिंग का चार्ज, तो वेल्डिंग वालों ने मेरे से 1200 रुपये चार्ज किए हैं, ये सब होल करने का वेल्डिंग करने का सारा उनमें आ गया और कटिंग वगैरह, तो 1200 रुपये उसके हो गए। तो ये वेल्डिंग मशीन मेरे को पड़ा है 6600 का। तो देखिए मैंने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, ये GI पाइप है तो रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता इसमें, और बाइक का एक्सल ख़राब ना हो इसलिए मैंने ये सॉकेट लगाया है। तो सॉकेट अपने जो भी बाइक हो उसके हिसाब से ले सकते हैं हम। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा घिस करके मैंने इसका सॉकेट का साइज़ का बना दिया, इसलिए इजीली यहाँ पे सॉकेट फिट हो जाता है और बाइक में लग सकता है। वो बाइक पे कैसे लगाना है वो बता देता हूँ आगे बाइक में। तो मेन चीज़ ऐसी है आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो उस पर है आपका कॉस्टिंग। मेरे को समझो अभी प्लेट बाकी है तो अराउंड 7000 में मेरा व्हील मशीन रेडी हो गया है, तो 7000 मेरे को इनफ है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है खासा अमाउंट है। तो भाई इजी बना सकते हो, और कोई भी डाउट हो कि कैसे बनाना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बारी है अपने ये व्हीली मशीन के ओनर को उनका व्हीली मशीन हैंडओवर करने की। तो भाई सबसे पहले थोड़ा टेस्टिंग होगा और आप मेरे को रिव्यू बताओगे कि मेरी मेहनत सफल है या कैसी रही, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने।
फ्रेंड्स कमेंट में जाके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अब क्योंकि अभी अपने सिर्फ 70 सब्सक्राइबर्स बाकी है, 9930 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने, तो जल्दी उसका भी अपना वीडियो आ ही जाएगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।